नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा रोचक घटना हुई। आज कमलनाथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो बेहद ही ट्रोल हुए। क्यों? अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से। जी हां, अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छपा जिसमें कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को जो है किसान कर्ज माफी योजना का क्रेडिट लेते दिखाया जा रहा था, और क्रेडिट लेते हुए उन्हें जो है एक महिला किसान को जो है कर्ज माफी योजना के तहत उन्हें जो है प्रमाण पत्र देते हुए दिखाया गया, जिसके कारण वो ट्रोल हो गए। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि जो है असल में ये तीन हाथ वाली महिला का आशीर्वाद ले रहे हैं, तीन हाथ वाली महिला का आशीर्वाद लेते देखे गए कमलनाथ जी। अब इसमें जो है शिवराज सिंह चौहान जी कैसे पीछे रहते। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इसे जो रीट्वीट करते हुए यह लिख डाला कि तीसरा हाथ कहां से आया, तीसरा हाथ कहां से आया। ये लिखते हुए जो है लोगों ने और ही ज्यादा जो है ट्रोल करना चालू कर दिया। लोगों ने तरह तरह के मीम्स बनाए। आज जो है कमलनाथ के ऊपर बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारा मजाक हुआ, फन हुआ, बहुत ट्रोल किए गए। आज इसकी हम पड़ताल करते हैं कि असल में सच्चाई क्या है, और इसमें क्यों जो है ट्रोल करना कमलनाथ को सही है या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। देखिए, पहले तो आज जो है एक दैनिक अखबार जिसका नाम नव दुनिया है, नव दुनिया में यह जो है विज्ञापन छपा था जिसमें जो है किसान कर्ज माफी योजना का पूरा विवरण दिया गया था, प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था। यह महिला देखी गई, इस पर ट्रोल किए गए। अब इसकी सच्चाई यह है कि असल में ये तीसरा हाथ जो है सचमुच उस महिला का नहीं है, वो किसी और का है। बेशक लोगों ने कहा कि ये जो है फोटोशॉप की सरकार है, कमलनाथ की फोटोशॉप की सरकार है। वो देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल ये जो है सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप सत्य पाया जा रहा है। असल में एक पुराना इवेंट हुआ था, एक पुराने इवेंट में एक मंच पे जो है इस महिला किसान को जो है प्रमाण पत्र दिया गया था। आप देख सकते हैं इस महिला को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, और प्रमाण पत्र के साथ जो है बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हीं में से एक शख्स कहीं से बीच से हाथ निकाल के अपना कुछ कागज दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, और असल में वो हाथ उसका है। तो इसमें से जो है इस फोटो को जो है फोटोशॉप किया गया, और बेहद ही शानदार तरीके से कांग्रेस ने ही करवाया है। ये कांग्रेस का ही ये विज्ञापन है, कांग्रेस ने ही छपवाया है। तो इस जो है मंच की फोटो में से इसे जो है निकाला गया और दूसरे बैकग्राउंड में इसे डाला गया, और उसमें तीसरा हाथ जो है वो काटना भूल गए फोटोशॉप वाले भैया, और ये तीसरा हाथ आ गया। तो लगने लगा कि महिला के तीन हाथ हैं, और तीन हाथ वाली महिला ने जो है कमलनाथ को आशीर्वाद दिया है, और ये प्रमाण पत्र जो है दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो है अपने साथ झोल होना बताते हैं, अपने साथ जो है फ्रॉड होना बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कर्ज माफ हुआ है, बहुत सारे किसान ये भी कहते हैं कि 25 रुपए और 60 रुपए और 80 रुपए कर्ज माफ हुआ। हालांकि कर्ज माफी में झोल झाल की स्थिति है दोनों तरफ से, और कुछ झोल जो है वो बैंक द्वारा भी किया गया, अधिकारियों द्वारा भी किया गया, लेकिन इस फोटो में जरूरत है सुधार की। फोटोशॉप किया गया है, बिल्कुल फोटोशॉप था ये। हालांकि फोटो एक जगह के मंच की असली थी, लेकिन उसे निकाल के फोटोशॉप किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वो तीसरे हाथ का भी जो ऑनर है उसे भी दिखाया जाना चाहिए था। ये कांग्रेस ने जो है असल में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जिसके लिए कमलनाथ सरकार या कमलनाथ जी को खुद जो है सफाई देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दी। चलो मैं जो है पड़ताल करके आपको बता दे रहा हूं। अब इसमें बताना यह है आपको कि असल में आपका क्या सोचना है इस फोटो के बारे में, और फोटोशॉप और फोटोशॉप सरकार के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।